गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अभी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। मैं एकदम सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी आज, वो भी सैंडविच बनाऊँगी जो कि खीरे और प्याज से बिल्कुल सिंपल सा बनाऊँगी। तो अभी मैं वो कटिंग कर रही हूँ और मैंने कटिंग कर लिया है। तो आज मुझे स्कूल भी जाना है, बेटी के स्कूल जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी ही बनाऊंगी, इसीलिए मैं सैंडविच ही बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने खीरा और प्याज को काट लिया है, अब ये कटके तैयार हो चुका है और अब मैं इसे ब्रेड में स्टफ्ड करूँगी। उसके बाद ये देखिए, मैंने एक एक ब्रेड में खीरा प्याज को स्टफ्ड कर लिया है। प्यार में दिल शुभ शाम और तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। हाय किसी के प्यार में। ये देखिए दोस्तों, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है लीची है ना, देखो लीची। और अब मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, तो ये मैं आपको प्लेग्राउंड दिखा रही हूँ। ये भी स्कूल के थर्ड फ्लोर से मैं आपको स्कूल का प्लेग्राउंड दिखा रही हूँ, संत क्लेयर्स स्कूल। और ये सामने आप देख सकते हैं एक लीची का बड़ा सा पेड़ है, इसमें लीची तो भी है नहीं, लेकिन ये पेड़ बहुत बड़ा है। ये पूरा क्लियर नहीं आया है, लेकिन ये बड़ा सा लीची का पेड़ है। और ये प्लेग्राउंड और ये क्लास में उसका प्रिंटिंग बोर्ड है, जिसमें के सारे ड्राइंग वैभव के ही लगाए गए हैं। ये वाटर पेपर पे बनाया गया है, 6 ड्राइंग तो वाटर पेपर पे बनाया हुआ है और एक चार्ट पेपर को कटिंग करके फादर्स डे पे बनाया था। और इसी के साथ ही आज इसको एक बैच मिला है मॉनिटर का, और साथ ही इसे मॉनिटर भी बनाया गया है, जैसे ये बहुत खुश है। और अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो आप देखिए ये अभी ड्राइंग करने लगी। और इसका आज प्रोजेक्ट है, बहुत सारा ड्राइंग बनाना है, तो ये इसने 3 या 4 ड्राइंग्स बनाए हैं, वो आप देखेंगे अभी। टेडी बियर जो कि इसने अपने पॉकेट मनी से बचा के खरीदा है, ये बहुत बड़ा है। और ये इसके साथ में खेलती है, सोती भी इसी के साथ है, दिन भर इसी के साथ खेलती है। अगर इसका छुट्टी रहता स्कूल में तो इसी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और इसी के साथ इसका टाइगर जॉल, ये तीनों चीज इसने अपने पॉकेट मनी से बचा के खरीदा है। तो ये पहली बार इसने पॉकेट मनी से बचा के खरीदा है, तो ये बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये तीनों चीज़ अपने पैसों से बचा के खरीदा है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ। ये आइसक्रीम खाए ज़्यादा, और आप देखिए यहाँ मैं कच्चे सूजी को हल्का भून ले रही हूँ। और दोस्तों ये मैं हल्का बादामी भूनूंगी, और इसके भूनने से क्या होता है, ये कच्चे सूजी को अगर मैं हल्का बादामी भून के रखूंगी तो इसमें कीड़े कभी नहीं लगेंगे। मैं जितना टाइम चाहूँ इसे रख सकती हूँ, एक ठंडा करके एयर टाइट डिब्बे में भर कर रखने से
ये कभी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो दोस्तों आप भी इस ट्रिक को अपना कर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।